एक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का 18 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, आप लोगों का एडमिट कार्ड का आपका इस एग्जाम सिटी और डेट आपका आ चुका है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आया। ओके, एडमिट कार्ड का आपका 2-3 दिन पहले आएगा। ओके, तो आपका 20 तारीख, 21 तारीख, किसी किसी का 18 तारीख, 19 तारीख भी पड़ा है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे, सारी तैयारी अच्छी हो चुकी, मॉक टेस्ट धनाधन लगाते रहिए, अपना स्कोर और मेंटेन करिए, क्योंकि नॉलेज तो बहुत है आपके पास, बस मॉक टेस्ट आप लगाएंगे जितना उतना आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जरूरी जानकारी होती है कि आपकी पूरी पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती या थोड़ी से मिस्टेक की वजह से और भूल की वजह से हमारी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि एग्जाम सेंटर पे जाते वक्त क्या क्या हमें ले जाना है, तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं ले जाना होता, जैसे नेवी वगैरह में जरूरत पड़ती है, क्योंकि नेवी ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं, कहीं पे भी ठीक है, जहां पे भी ऑनलाइन एग्जाम होता है वहां बहुत डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, जहां पे ऑफलाइन सेंटर पे होता है वहां पे जरूरत होती है। तो फिलहाल मैं एयरफोर्स की बात बताऊं जिसका आप तैयारी कर रहे हैं 2023 फर्स्ट इंटेक वाले की, इसके लिए आपको एग्जाम में ले जाना होगा एग्जाम सेंटर पे, आपको एक एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, वो भी कलर्ड। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, स्टार बना रहा हो, कलर्ड रहना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट रिजेक्ट हो जाएगा। बार बार यही चीज कमेंट आएगा, सर हम ब्लैक एंड व्हाइट ले गए, ब्लैक एंड व्हाइट ले गए, ऐसे किए वैसे किए, बिल्कुल क्लीन। और बहुत सारे लोग निकलवाते प्रिंट आउट, उसमें कट जाता साइड वाला पोर्शन, मैं बहुत देखा हुआ चीज सेंटर पे जाके, वो कोने में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि ये पूरा आपका A4 शीट है, आपका डाटा यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर व्हाइट रह जाता है, इधर कट जाता है, और साइबर कैफे वाले दे देते हैं, आप लेके आ जाते हैं, वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे हो जाएगा। वो नहीं बेटा, आपको परमिशन देंगे बेटा, परमिशन कौन देगा आपको, एयरफोर्स वाले, और ये रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो आप सभी लोग एकदम प्रॉपर तरीके से एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, उन साइबर कैफे वाले भैया से बोल देंगे, फॉन्ट भी बहुत ज्यादा छोटा या बहुत बड़ा नहीं रहना चाहिए, A4 में अच्छे से पूरा कंफर्टेबल आ जाए, क्योंकि जो हमारा उसका फॉर्मेट होता है एडमिट कार्ड का, वो A4 साइज के हिसाब से ही बनाया जाता है। ओके, और आप सारा पेज प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ये नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन वाला नहीं निकलवाएं, सिर्फ हालांकि जरूरत सिर्फ पहले वाले पेज का होता है, लेकिन फिर भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका कोविड वाला रहेगा, उसको भी निकलवाना है, तो आप पूरा निकलवा लेना, थोड़ा सा ही तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो इसमें संकोच मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका कलर्ड हो जाना चाहिए, ध्यान रखेंगे आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए, अगर आधार कार्ड फॉर्म भरते वक्त आप दिए हैं तो, अगर जो भी डाटा आप दिए हैं तो उसकी जगह DL वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट आधार कार्ड नेसेसरी कंडीशन में, मतलब बहुत मैंडेटरी है, याद रखना। पैन कार्ड नहीं एक्सेप्ट होता, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते, बिकॉज पैन कार्ड हमारा वेरिफिकेशन नहीं करता, हमारा आइडेंटिटी नहीं प्रूफ करता, ठीक है, ये सिर्फ बैंक के लिए काम आता है, जहां बैंक ओपनिंग वगैरह का काम होता है। आप DL एक ऑप्शन रख सकते हो, बट आधार कार्ड मैंडेटरी अब कर दिए, तो आप आधार कार्ड ही लेके जाएंगे, अगर नहीं है तो उसको निकलवा लीजिए, 3-4 दिन के अंदर निकल जाता है, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगता। PVC आधार कार्ड के लिए आप अप्लाई कर देंगे, आपके एड्रेस पे 3 दिन के अंदर बाई पोस्ट आ जाएगा, अगर फिर भी दिक्कत है तो 1 दिन जाइए साइबर कैफे में, थंब लगाइए, आप आराम से निकलवा सकते हो। ओके, तो आधार कार्ड तो निकलवा ही लेना। आप बात करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वहां पे नीचे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वहां पे आपका एक फोटो लगेगा, उसमें स्टेटमेंट में आपको नाम लिखना, अपने पिताजी का, बाकी चीजें यस लगा के आपको साइन करके बस जमा कर देना, वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके नीचे रहता है। कोविड डिक्लेरेशन भी वैसे रहता है लास्ट पेज पे, उसको भी आप वहीं फिल कर लीजिए या सेंटर पे जाके, कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करिए पहले फिल कर लीजिए, और एक्स्ट्रा फोटो हमेशा सेंटर पे ले जाना, ठीक है, 2 फोटो तो कम से कम एक्स्ट्रा रखना, कभी मान लीजिए बाई चांस खराब हो गया फोटो या रिजेक्ट हो गया या आपके एडमिट कार्ड से निकल गया या धुलधुला सा बन गया, तो वहां पे आप चिपका सकते हैं, अगर वो कहेंगे तब। ओके, तो ऐसा ऑप्शन में आप रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम एकदम हीरो बन के जा रहे उड़ाते हुए एडमिट कार्ड, नहीं, ठीक है, 2 फोटो अलग से एक्स्ट्रा, भी कलर्ड विथ स्लेट, याद रहे विथ स्लेट, नाम के साथ और डेट ऑफ पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखते, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा जाता, डेट ऑफ पिक्चर, किस दिन आपका फोटो खींचा गया है, ब्लैक स्लेट पे व्हाइट चॉक से लिखा जाता है, ठीक है, ये रहेगा। और कोई ओरिजिनल मार्कशीट नहीं ले जाना है, कहीं आप 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे, हालांकि नुकसान नहीं होगा कुछ, लेकिन खो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पूरा अच्छे से पेपर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर खेला खत्म, तो ये सब चीजें नहीं ले जानी ओरिजिनल, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाना, ले जाने के लिए सिर्फ आपको एडमिट कार्ड कलर 2 फोटो एक्स्ट्रा रख लेना, बस अपने प्रिकॉशन के लिए, जरूरत पड़ने पे लग जाएगा, और साथ साथ आपको आधार कार्ड लेके जाना। ये जो आपका फॉर्म है ये आपके एडमिट कार्ड के नीचे ही आता है, आपको कहीं से मिलेगा नहीं, जब आप एडमिट कार्ड आपका आएगा डाउनलोड करेंगे ना, नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो उसको बस ले जाना, उसको चाहे आप घर पे फिल कर सकते हो या फिर वहां पे जाके, जब ये आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे कैसे इसको फिल करना है, ठीक है। ये फेज वन का, यानी कि 18 जनवरी से जब आपका एग्जाम है तब लगेगा डॉक्यूमेंट, सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है
दूसरे फेज में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको जान लीजिए, क्यों, क्योंकि यहां से रिलेटेड है वो, अदरवाइज नहीं बताते। जब आप दूसरे फेज में यानी कि आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह दीजिए एक तरीके से जाएंगे करवाने, तब आपको क्या क्या चीज चाहिए, तो आपके लिए सबसे पहला चीज चाहिए यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी फेज वन का एडमिट कार्ड, यानी जिसकी हम बात कर रहे अभी जो आपका आएगा ना, ये एडमिट कार्ड जरूरी है, इसको फेंकना मत कि एग्जाम हो गया ठंडी लग रही है आग जला के ताप लिए, नहीं भैया इसकी जरूरत है आगे, ठीक है इसकी जरूरत है। इसके साथ साथ जब आप फॉर्म भरे होंगे ना ऑनलाइन, उसका भी प्रिंट आउट होगा आपके पास, अभी खोया तो नहीं ना, अगर खो गया तो वापस से निकलवा लीजिए, क्योंकि वो भी लगता है जो आप फॉर्म भरे ना वो भी लगता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो फेज वन का आपका एडमिट कार्ड वहां पे जाएंगे, स्टैंप वगैरह लगेगा वो आपका, और कलर प्रिंट आउट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो आप भरे थे फॉर्म भरते वक्त उसको भी निकलवा के रख लेना आप, कम से कम एक तो एक दो लग जाता है, एक तो लगता ही है, दो भी लग सकता है, तो एक से दो एक्स्ट्रा रखना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा रखना, एक आपका लगता है बस वही परमिशन के लिए, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो चाहिए, फेज वन का एडमिट कार्ड चाहिए, इसको फेंकेंगे नहीं, ठीक है, कलर प्रिंट आउट और फेज टू एडमिट कार्ड ये आएगा आपका, जब आपका निकल जाएगा पहला, उसके बाद आएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो उसको निकलवा लेंगे, तीन चार, और कलर रहना चाहिए, सब कुछ कलर रहना चाहिए, क्लास 10 और 12 का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपका तीन चार रख लेंगे, ठीक है, ओरिजिनल और कॉपी भी रख लेंगे तीन चार, ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ये मैं फेज टू में अभी जरूरत नहीं इसकी, लेकिन इन दोनों की जरूरत वहां भी रहती है, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहेंगे। बाकी आपका आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी, यहाँ पे पैन कार्ड इसलिए जरूरी कि फेज टू के बाद बैंक से लिंक होता है आपका अकाउंट, क्योंकि आप सैलरीड हो जाएंगे, आप जॉब करने लगेंगे ना, इसलिए कंसेंट फॉर्म, यानी जिसका उम्र 18 से कम रहता उसके लिए जरूरत होता, आप लोग नहीं हो। 10 कलर पासपोर्ट साइज फोटो आप सभी लोग रख लेंगे जो आप फॉर्म भरते वक्त यूज किए, तो फॉर्म भरते वक्त जो भी फोटो आप अपलोड करवाए ना, अगर आप मान लीजिए उसका कॉपी खत्म हो गया, जहां से खिंचवाए जाके वहां से एक्स्ट्रा निकलवा लीजिए, ओके, समझ रहे ना मेरी बात। तो 10 फोटो आप एक्स्ट्रा रखेंगे जो फॉर्म भरते वक्त लगाए, वही वाला, एक दो ले जाएंगे सेंटर पे, उसके बाद भी 10, यानी 15-16 तो निकलवाए लो कॉपी, ओके, बात समझ में आई। तो ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट का जो जो जरूरत पड़ेगा फेज वन फेज टू दोनों में, तो फिलहाल हम फेज वन पे फोकस करेंगे, तो ये हमारे सामने आपका है कुछ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपके लिए काम करा होगा, तो सभी बच्चे ध्यान से ये सारी चीजों को देखा करिए, और पहले गलती होने से आप लोग बाद में बहुत परेशान होते, बड़ा दुख होता, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपके काम का आया होगा सेशन, इसलिए कहता हूँ एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत हेल्प करते रहते, कहीं कोई चूक हो नहीं देंगे, ओके। चलिए मिलते हैं हम सभी लोग, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, और मॉक टेस्ट धनाधन लगाते रहिए, सिलेक्शन पक्का करिए आपकी बार, ओके। जय हिंद, जय भारत।